हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं फिल्मी दुनिया की सबसे ताजगी भरी खबरें। आज हम बात करने जा रहे हैं कल की 2898 एडी और बैड न्यूज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की फिल्म कल की 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। ये फिल्म पिछले 34 दिनों से चर्चा में है, लेकिन हाल ही में इसे पहली बार 1 करोड़ से अधिक की कमाई करने में चूक का सामना करना पड़ा है। इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 634 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है, लेकिन 34वें दिन यह फिल्म पहली बार करोड़ों की सीमा को पार नहीं कर पाई और मात्र 95 लाख रुपए की कमाई की। लेकिन दोस्तों, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का कुल बजट 600 करोड़ रुपए था और यह अब भारत में 34 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमा चुकी है। कल की 2898 एडी ने हिंदी और तेलुगु दोनों वर्जन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हिंदी में 285.70 करोड़ और तेलुगु में 282.74 करोड़ की कमाई की है। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इसने 34 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1027 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिसमें से 274.05 करोड़ रुपए विदेशों में और 752.95 करोड़ रुपए देश में कमाए हैं। अब बात करते हैं विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज की। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अपने दूसरे हफ्ते में 100 करोड़ की कमाई के करीब पहुंच गई है। बैड न्यूज ने अपने दूसरे हफ्ते के 12वें दिन 1.40 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन अब 54.60 करोड़ रुपए हो चुका है। विदेशी बाजार में भी इस फिल्म का प्रदर्शन अच्छा रहा है, खासकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है और वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। खाड़ी देशों में शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे वहां की पकड़ ढीली पड़ गई है। तो दोस्तों, ये थी कल की 2898 एडी और बैड न्यूज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा और फिल्मी दुनिया की ताजगी भरी खबरों के साथ फिर मिलेंगे।